हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने मटन ग्रेवी बनाया है। पहले मैंने मटन ग्रेवी बनाया था ट्रेडिशनल पॉट में बना के दिखाया था, लेकिन आज मैंने प्रेशर कुकर में मटन का ग्रेवी बनाया है और डिफरेंट स्टाइल में मटन का ग्रेवी बनाया है। आप देख सकते हैं मेरे मटन ग्रेवी का कलर कितना सुंदर आ रहा है। अगर आपने एक बार इस मटन की ग्रेवी को खाया तो बाकी सारे मटन की ग्रेवी भूल जाएंगे आप। ये बहुत ही टेस्ट आता है, बहुत ही लाजवाब आता है। तो चलिए आज का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम मटन लिया है। पहले हम मसाला का पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के ऑनियन लिया है, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा गार्लिक लिया है। उसके बाद मैंने तीन लौंग लिया है, एक दालचीनी लिया है, दो तेज़पत्ता, दो ड्राई रेड चिली, क्यूमिन सीड एंड कैडमम और एक स्टार एनिस लिया है। पहले हम मसाला का पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने ग्राइंडर जार लिया है और रेड ड्राई चिली और बेलीफ को छोड़ के बाकी सारे को हम मसाले का पेस्ट बना देंगे। अब ग्राइंडर जार में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। मसाला का पेस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम आलू डालेंगे और आलू को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम आलू को हल्का सा ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब आलू को हम पलट देंगे। आलू हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसको हमने एक प्लेट में निकाल दिया है। यहाँ हम गरम तेल में थोड़ा सा चीनी डालेंगे और चीनी को पूरा मेल्ट होने के लिए रखेंगे। हम गरम तेल में चीनी इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत ही सुंदर आए। देखिए हमारा चीनी बॉईल हो चुका है। अब इसमें ड्राई रेड चिली और दो तेज़पत्ता हमने डाल दिया। अब इसमें कटा हुआ प्याज हम डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें कटा हुआ टमाटर हम डाल देंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम फ्राई करेंगे। अब हम मसाला का पेस्ट डाल देंगे इसमें। अब हम मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाले को जितना फ्राई करेंगे ग्रेवी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब इसमें हम हाफ टी स्पून डालेंगे टर्मरिक पाउडर और इसके बाद रेड चिली पाउडर हम 3 टेबलस्पून डालेंगे। यहाँ पर मैंने कश्मीरी रेड चिली लिया है, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डाला है। अब इसके बाद यहाँ पर हम मीट मसाला डाल देंगे 1 टेबलस्पून और यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून डाला है कोरिएंडर पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम मटन डाल देंगे। मटन को मैंने पहले से ही धो के रखा था। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में। अब इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद हम कवर निकालेंगे और इसको फिर से थोड़ा सा मिला लेंगे। अब इसको कवर करके हम फिर से 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। 5 मिनट हो चुका है, हमने कवर निकाल दिया। अब इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। अब इसमें हम फ्राइड किया हुआ आलू डालेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे और इसको 2 से 3 व्हिसल आने तक हम इसको कुक करेंगे। हमने इसको हाई फ्लेम में 1 व्हिसल दिया है और लो फ्लेम में 2 दिया है। अब हमने कुकर को अच्छे से ठंडा कर दिया है। अब इसका कवर हम निकालेंगे। देखिए हमारा मटन करी तैयार हो चुका है। ये कितना सुंदर दिख रहा है, इसका कलर कितना सुंदर आया है। ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।